Good evening and you're watching GBN 7 News. You're with James Burgers and let's have a look at today's headlines. Bihar police intentionally jails woman and her 5-year-old daughter for no charges in a jail in Bagalkot, Bihar for a half and a month. Child mentally shocked and mother waiting for justice. This is an exclusive story conducted by GBN 7 News of a lady and her 5-year-old daughter who spent around more than 1.5 months in jail for no charges against them. She is denied justice and she is knocking every possible government and police department asking for help. Let's have a look at this report. Sapna Singh is a resident of Bagalpur. She is living with her 5-year-old daughter in Nayanagar. Last year, she was attacked by her own blood relatives for the sake of money. Relatives barked inside her house and brutally thrashed her. Bleeding and injured, she reaches Kotwali Mahila Thana and meets with Swayam Prabha Mahila Thana Prabhari. Being a woman police station and a woman herself, the Prabhari officer, Swayam Prabha did not even listen to Sapna to even ask what was the incident about and why was she bleeding. Bleeding Sapna leaves the Mahila Thana discouraged as she didn't get swift action. Then bleeding, she goes out to meet the DIG and as he was in a meeting, she was told to wait outside. In the meantime, Mahila Thana Prabhari Swayam Prabha arrives to the circuit house and brings her back assuring action. Surprisingly, she gets locked up in a station and a false case filed against her and the next day, she was produced before the court and finally, Sapna and her daughter lands up in a jail for almost 1.5 months. GBN 7 News tried to connect with Mahila Thana Prabhari Swayam Prabha on this, but she was not available for any comments. नमस्ते सर, मैं सपना सुमन भागलपुर नया बाजार से बोल रही हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था पिछले साल। एक्चुअली मेरे घर में मेरे पिताजी की रिश्तेदार एक है जो ब्लड रिलेशन में मेरे पिताजी की बहगनी लगती है ललिता देवी, वो और उसका उसके मम्मी पापा वो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके मम्मी पापा सब लोग गिरोह की तरह काम करते हैं, मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस के रह रहे हैं। उन्होंने मिलकर के मेरे पिताजी को रिक्शा पे से ढकेल के जहर देके खाने में मार दिया था और उसके बाद से मैं और एक मेरी छोटी सी बहन है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। मैंने कई बार जाकर के थाना में सब जगह आवेदन भी दिया था लेकिन कुछ नहीं होता है। और अभी इधर हाल पिछले साल भी इन लोगों ने मेरे घर में घुस करके ललिता देवी और उसके परिवार वाले और कुछ असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर के बार बार मेरे साथ मारपीट करते हैं, जिसके कारण से मैं परेशान होकर के जख्मी हालत में कई बार थाने जाती हूँ लेकिन थाना में जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। महिला थाना में कई बार गुहार लगाया था, तारपुर थाना में लगाया, IGT IG SSP, कहीं कुछ नहीं होता है। मैं बहुत रोज़ परेशान रहती हूँ, हर रोज़ एक एक घड़ी पल पल मतलब मरती हूँ। और पिछले साल भी 9 अगस्त को कुछ इसी तरह की घटना हुई थी, मेरे घर में आकर के वो लोग मुझे घर से जाने के लिए मुझे घर से निकालने के लिए प्लानिंग बना रहे थे, मेरे साथ मारपीट किए। मेरा उन लोगों ने मोबाइल छीन लिया जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उन लोगों की बातों की धमकी की, लेकिन उन लोगों ने छीन लिया और मैं रोते हुए कोतवाली महिला थाना गई रोते हुए। और वहाँ पे मैं स्वयं प्रभा मैडम महिला थाना प्रभारी है उनको जाकर के रोते हुए अपनी जख्मी हालत में अपनी हालत दिखाई और उनसे कहा कि इंजर्ड थी मैं काफ़ी ज़्यादा। उनको जाकर के मैंने कहा मैडम मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, मेरे घर में कुछ ललिता देवी कुछ गुंडों को लेकर और अपने परिवार वालों का सहारा लेकर के मेरे साथ मारपीट की है, मेरी हालत देखिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए, जल्दी से उन लोगों को पकड़िए। तो उन्होंने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस चीज़ पर। फिर मैं रोते हुए वहाँ से निकल के सर्किट हाउस गई। सर्किट हाउस में जाने से पहले मैंने रास्ते में एक मोली दोस्त या समाजसेवी जो कहिए उनसे मदद लेने के लिए वहाँ पर गई। उनके मोबाइल से मैंने DIG सर को कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि अभी मीटिंग शुरू होने वाली है, अगर आपको मिलना है तो आप हमारे सर्किट हाउस में आ जाइए, मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा आपको। तो मैं अर्जेंसी में अब उस फ्रेंड को लेकर के सर्किट हाउस भी गई, वहाँ पे काफ़ी पत्रकार लोग मौजूद थे, उन लोगों को मैंने अपनी हालत दिखाई, उन लोगों ने भी मुझसे पूछा, वीडियो बनाने लगे, और प्रिंट मीडिया वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनको मैंने अपनी हालत दिखाई, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई लेकिन कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मेरी संपत्ति को हड़पने के पीछे, क्योंकि मैं और एक मेरी छोटी बहन है, मेरा कोई भाई नहीं है, हम लोग की संपत्ति को हड़पने के लिए हमारे अपने घर के ही लोग जो दूर के रिश्तेदार हैं गलत इल्लीगल रिश्ता बता करके
हड़पने के चक्कर में मेरे साथ गलत कर रहे हैं और इस वजह से मारपीट करते हैं, कभी जानलेवा हमला करते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं मेरे साथ। उसके बाद वहाँ पर मैंने जब बताया तो इतने ही देर में वहाँ पर वेट कर रही थी, चूँकि अंदर मीटिंग चल रही थी DIG सर की, तो वहाँ पर मैं बहुत देर तक वेट करती रही। वेट करने के बाद जैसे ही 10-15 मिनट के बाद ही स्वयं प्रभा मैडम महिला थाना कोतवाली की थाना अध्यक्ष जो हैं वो आ गई 3-4 सिपाही लेकर के, और मुझे वहाँ से खींच के ले जाने लगी कि चलो चलो तुम्हारा जो है मैं तुम जो भी आवेदन देना आप यहाँ पे क्यों आए, अभी चलो मेरे थाना में वहाँ पे आवेदन देना, जो करना है मैं करूँगी, और झूठा आश्वासन देकर के मुझे वहाँ से ले जाया गया, जो मैं समझ नहीं पाई। वहाँ से जाने के बाद जैसे उनके साथ में गई थाना में, मेरे हाथ से आवेदन ले लिया, जबकि मैं काफ़ी इंजर्ड थी, लिख नहीं पा रही थी, उंगलियों में चोटें थी, खून निकल रहा था। लेकिन उसके बाद आवेदन देते ही उन्होंने अपने सिपाहियों से बोल करके अपने चैम्बर में मुझे बंद कर दिया, ना कि हाजत महिला हाजत में नहीं बल्कि चैम्बर में मुझे बंद कर दिया गया। और लगातार मैं रोती घिघटती रही, हाथ पैर पटकती रही कि मुझे क्यों बंद किया गया, प्लीज़ मुझे छोड़िए। तो चैम्बर में खिड़की से मैंने सारी चीज़ें देखी कि वो विपक्षी के साथ मिल करके पैसे का लेन देन कर रही थी, और उसके बाद मेरे ऊपर भी झूठा FIR विपक्षियों के साथ लेकर के उनका कागज़ लिया, उनका पता नहीं क्या था वो FIR के तरह, उनसे कागज़ लिए, उनसे पैसे लिए। फिर मैं बोलती रही मैडम आप ये क्या कर रही हैं, प्लीज़ मुझे छोड़िए, ओके उन लोगों से बात करी, उन लोगों को अरेस्ट करी, यही वो लोग थे जिन्होंने मेरे साथ इस तरीके का घटना किया है आज दोपहर में। लेकिन मैडम उनके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी और उन लोगों को सबको पैसे लेकर के छोड़ दी वहीं के वहीं थाने से, और मुझे अंदर बंद कर दिया गया चैम्बर में। लगातार 4-5 घंटे तक रोते 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 रही। फिर शाम को भी मैंने कहा कई बार गिड़गिड़ाई, रिक्वेस्ट की मेरे परिजन को बुला दीजिए, मेरे बच्चे को भी छोड़ दीजिए, मैं अपने परिजन को अपना बच्चा दूंगी, मुझे भी छुड़ाया जाएगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, मेरा क्या अपराध है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, कोई कानून हाथ में नहीं लिया कुछ भी, जबकि मेरे साथ ही दुर्घटना हुई थी, मैं पीड़िता थी। उसके बाद भी ये लोग मुझे लगातार बंद किए रहे, फिर कहने लगे स्वयं प्रभा मैडम मुझसे झूठ बोलने लगी कि SDGM कोर्ट के जो जज साहब हैं उनका कॉल आया है कि आपको नहीं छोड़ सकते, जबकि वो झूठ बोल रही थी। मुझे पता था कि कॉल ऐसा कोई नहीं आया, वो मुझसे झूठ बोल रही थी, बार बार बहाना मार रही थी, डांट रही थी बाहर से, और मैं अंदर से रो रो रही थी, बार बार हाथ पैर पटक रही थी, चिल्ला चिल्ला के रोती मुझे प्लीज़ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वो एक नहीं सुनी मुझे। मेरा बच्चा फिर अगले दिन सुबह में कहती है कि सुबह में मैं छोड़ दूंगी तुमको जज साहब के सामने पेश करके। सुबह में भी उठी तो कागज़ पत्तर में पता नहीं क्या क्या वो कागज़ बना रहे थे, वो टेबल पर IO के साथ मिल करके, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरे विरुद्ध में कुछ खिचड़ी पक रही है, जो मुझे कुछ फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है कुछ ऐसा। फिर उसके बाद वहाँ से मैं बहुत जिद की कि मुझे जज से पेश करिए, जज साहब के सामने मैं खुद अपनी आपबीती बताऊँगी और तब उसके बाद जज साहब मेरी बात को समझ पाएंगे, आप मेरे साथ गलत कर रही हैं। लेकिन वो नहीं मानी स्वयं प्रभा मैडम, और फिर उसके बाद वो लगातार कभी इधर फ़ोन कभी उधर फ़ोन करती रहती थी, फ़ोन में इस तरीके से 24 घंटे से ऊपर मुझे थाना में चैम्बर में बंद करके रखा गया, मुझे और मेरी 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची को। और उसके बाद वहाँ से फिर वो गायब हो गई स्वयं प्रभा मैडम, और वहाँ से लगभग 3-4 बजे फिर से वापस थाने आई वो, और तब मुझे लेकर के जानबूझ के लेट से गई SDGM कोर्ट में, जो सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास। और वहाँ पर जब गई तो वहाँ पर उन्होंने जज साहब के सामने मुझे पेश नहीं किया, बल्कि एक कागज़ बैकडोर से बना के मुझे, बैकडोर जो कोर्ट का होता है उस साइड से घुसाया गया, और वहाँ पर कहा जा रहा था इस कागज़ पर साइन करो। फिर मैं घुसते हुए फ्रंट की तरफ गई, मैंने कहा नहीं मुझे जज साहब से मिलना है, मुझे बताइए कहाँ है जज साहब, मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी। उस कागज़ को देखने के बाद मैं हैरत में पड़ गई, वो वारंट कागज़ अरेस्ट वारंट का था। तब मुझे जाके मालूम हुआ कि ये चीज़ें मेरे खिलाफ़ में साजिश रची जा रही। तब मैंने कहा मैं नहीं करूँगी इस पर साइन, मैं मेरे परिजन को बताइए, मेरे अधिवक्ता से मुझे बात करने दीजिए। वहाँ अधिवक्ता भी खड़े थे, कुछ पब्लिक लोग भी खड़े थे, मैं बहुत रो रही थी कोर्ट में, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, लेकिन स्वयं प्रभा मैडम एक नहीं सुनी, ना मुझे फ़ोन करने दी, ना मुझे फ़ोन खुद भी सूचना दी किसी को। और इस तरीके से रोते रोते वहाँ पे मैं साइन करने के लिए एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए, मुझसे ज़बरदस्ती साइन कराया गया अरेस्ट वारंट पर। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे झूठ बोल करके, तब मैं रोती रही लेकिन कहने लगी कि नहीं तुमको बेल नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम अगर तुम साइन नहीं करोगी तो, अब तो जो हो चुका है सो हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल
रहा है, जबकि मुझसे कहा गया था कि मुझे वो सदर अस्पताल सदर वाले जज साहब के पास SDGM कोर्ट में ले जाके पेश करके मुझे छोड़ देंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था। फिर वहाँ से मुझे महिला कारा लेके गई, कुछ नहीं कर सकती थी, बहुत रोती रही, किसी को पता नहीं चल पाया मेरे रिश्तेदार के मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर मैं महिला कारा गई, उनके वजह से, उनके किसी परिवारजन को, मेरे जो भी हैं परिजन उनको नहीं सूचना देने की वजह से मैं और मेरा बच्चा एक महीने से ज़्यादा महिला कारा में दिन गुजारा। उसके बाद वहाँ महिला कारा में एक महीना से ऊपर, 1 महीना 20 दिन हो गए। किसी तरह से फिर मैं जब मैं बाहर निकली, मेरे परिजन को बहुत देर बाद जाके मालूम पड़ा, उन्होंने देर से मुझे निकाला। फिर बाहर निकलने के बाद मैं DIG सर के पास, IG सब जगह जाके गुहार लगाई, तो उन लोगों ने FIR मंगवाया। FIR मैंने भी निकलवाया कोर्ट से। FIR में मैंने देखा बड़ी बड़ी धाराएं लगी थी उस पर, 307, 386 और 369, इस तरीके बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई थी उस पर, लेकिन जबकि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया था। स्वयं प्रभा मैडम ने मुझे सिर्फ बगैर जांच पड़ताल किए, मुझे लेकर के वो चली गई वहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर वो FIR, झूठा FIR जो किया गया था मेरे ऊपर, उसको, उसके चार्जशीट मैंने DIG सर से बोल करके मंगवाई, तो DIG सर ने मुझे चार्जशीट मंगवाया, कोर्ट से मैंने भी निकाला। DIG सर को चार्जशीट निकलवाने के बाद फिर वहाँ पर चार्जशीट में मैंने पढ़ा कि सारे धाराएं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सारी धाराएं जो भी बड़ी बड़ी धाराएं थी वो सारी हटा दी गई, केस को लगभग फॉल्स की तरह कर दिया गया। तो मैं किस चीज़, किस जुर्म में जेल गई, मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन लोगों ने झूठा है। बगैर जांच पड़ताल किए स्वयं प्रभा मैडम ने, IO ने, विजय इंस्पेक्टर विजय कुमार, शोभा, ये लोग सब मिल करके मेरे साथ षड्यंत्र करके, ललिता देवी के साथ पैसे खा करके, इन लोगों के साथ मिल करके मुझे झूठे केस में जेल में फंसा करके मुझे और मेरी बच्ची को जेल भेजा इन लोगों ने। और उसके बाद से DIG IG सब जगह मैं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो फिर मैं परेशान होकर के उसके बाद DGP के पास गई कि चार्जशीट में सब कुछ साफ हो गया है, तो क्यों बिना जांच पड़ताल की इतनी क्या हड़बड़ी थी स्वयं प्रभा मैडम को, कि पैसे के प्रभाव में इस कदर वो दबी हुई थी कि मुझे जेल भेजने की इतनी ज़्यादा हड़बड़ी थी उनको, और उन्होंने मुझे जल्दी, इतनी जल्दी हड़बड़ा करके मुझे जेल भेज दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, इंसानियत को, मेरे साथ मानवाधिकार को सबका हनन किया है उन्होंने मेरे साथ। मेरे साथ जो बीती है वो मैं सोच भी नहीं सकती, मेरी मान प्रतिष्ठा सब कुछ धूमिल करके रख दिया। मेरा छोटा सा बच्चा, वो बार बार पुलिस वाले को देख करके डरता है, वो हमेशा मुझे थोड़ा सैर के लिए मैं इधर उधर जाती तो उसको लगता है कि स्वयं प्रभा मैडम मुझे फिर से कहीं पकड़ करके जेल ना लेके चली जाए। मेरी बेटी जो छोटी सी 5 वर्ष की है, उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके से हो गई है, समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। इस ये आवेदन DGP के पास देने के बाद स्वयं प्रभा मैडम मेरे पे प्रेशर बनाई कई बार, मुझे आते जाते मिली, मुझे फ़ोन किया गया, मेरे घर पे मुझे बार बार खोज रही थी कि ताकि मैं आवेदन वापस ले लूं। मुझे बार बार वो धमकी दे रही, झूठे केस में फंसाएंगी, नेम्ड कर देंगी, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं झूठे केस जिसमें वो मुझे फंसाएंगी, मुझे नेम्ड कर सकती हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। मैं चाहती हूँ कि NCIB की टीम, नेशनल अपराध ब्यूरो का जो ये टीम है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरा इंसाफ दिलाइए स्वयं प्रभा के ऊपर। DGP सर ने विभागीय कार्रवाई करते हुए अविलंब बर्खास्त करने का भी ऑर्डर किया पटना DGP ने, लेकिन उसके बाद भी SSP सर के बाद कई बार गई, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी तक जांच के नाम पे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला है। प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरे मुझे न्याय दिलाइए, स्वयं प्रभा को उसकी गलती का एहसास कराइए, उन्होंने जो किया है, मैं चाहती हूँ कि उसे उस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए NCIB सर, NCIB की टीम, प्लीज़ सर मेरी हेल्प करिए प्लीज़। Now the only question to Bihar CMG, can't you see what is happening in your state? A woman and a child put in jail without no charges? What is the police department doing when such an activity is happening by the officers in the department? Can still a proper investigation be done in this case and give justice to this lady? Strict action should be taken on the investigation officer and Thana Prabhari Swayam Prabha. Let's watch and see how the swift the Bihar government and the police department moves after this news.